हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गार्डन। दिस इज विकास फ्रॉम रॉयल गार्डन। सो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज टू। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यूज टू का यूज अभी तक आपने देखा होगा कि ओनली एक टाइप से होता है। जैसे कि हम लोग जब पास्ट के हैबिट को बताते हैं तो हम लोग यूज टू का यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि यूज टू का हम लोग कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यूज टू है फर्स्ट टाइप एंड ये है सेकंड टाइप। एंड कैसे कैसे हम लोग यूज टू का यूज कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सो कंप्लीट यूज टू के सारे यूजेस सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं क्लिक किया है तो क्लिक कर दें। सो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे होंगे यूज टू, यहाँ पे देखिए यूज टू का मतलब क्या होता है। यूज टू का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पास्ट की हैबिट को बताते हैं तो हम लोग यूज करते हैं यूज टू। जैसे कि मैंने जब वुड का वाला वीडियो पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वुड के प्लेस पे आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यूज टू का यूज अगर हम लोग करते हैं कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग पास्ट की हैबिट को बताते हैं। क्या करते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। ठीक, पास्ट की हैबिट आप जब भी बताओगे तो किसके यूज करोगे, यूज टू का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाई किया करता था, ये क्या है, इन द पास्ट, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू स्टडी, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके आप इसको बोल सकते हो। कैसे, जब जब आप पास्ट की हैबिट बताओगे, मीन्स आप पास्ट में करते थे बट अभी नहीं, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। मैं मोबाइल चलाया करता था, आई यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। ओके, सो चलिए हम लोग इसका निगेटिव देखते हैं। ये था आपका, जैसे कि आप जानते हो कि एक होता है आपका असर्टिव, ठीक है, एंड एक होता है आपका निगेटिव, एंड एक होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो मीन्स तीनों पे हमको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, असर्टिव तो मैंने देख लिया, अब बात करते हैं निगेटिव में। ठीक, जैसे मैं पढ़ाई नहीं किया करता था क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, एंड फिर याद रखना यूज टू नहीं आएगा, क्या आएगा, यूज आएगा। क्या आएगा, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी। वह खाना नहीं बनाया करता था, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट यूज टू स्टडी। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। ठीक है, क्या तुम मोबाइल चलाया करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, क्वेश्चन क्या है, क्या, एंड इसका आंसर क्या होगा, यस या नो में। जैसे मैंने बताया था, जब आप यस या नो में आंसर आता है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या हो जाएगा, डिड यू यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। ठीक है, डिड यू यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैं बताऊं तुम कहाँ पे सोया करते थे, तो क्या हो जाएगा, Where did you use to sleep? तो इस तरीके आप इसका यूज तीनों फॉर्मेशन में कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे बात करते हैं यूज टू प्लस उसके साथ में ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यूज टू के साथ में जब जब हम लोग इज एम आर वॉज वर विल बी हैज हैव या हैड लगाते हैं तो उसके जस्ट बाद में, ये तो ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है, आप याद रखना, ये तो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ में, एंड या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स क्या होता है, वर्ब एक्शन प्लस आईएनजी, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, या तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा या तो फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, बट उससे पहले एक चीज और देखिए, यूज टू प्लस इसका मतलब क्या होता है। यूज टू के साथ में अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिखती है तो मतलब इसका क्या होता है, आदि, क्या है, आदि। ठीक, जैसे मैं खाने का आदि हूँ, वो घूमने का आदि है, वो ठंडा पानी पीने का आदि है, मीन्स इस टाइप का जो मतलब आदि हो जाना, मीन्स हैबिट बना लेना, उसको हैबिचुअल कर लेना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैबिट शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू प्लस दिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, जैसे आप देख रहे होंगे मैं पढ़ाई का आदि हूँ, तो इस पे क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या हो जाएगा, आई, एंड फिर आपका आएगा इज, आई इज हूँ, आदि हूँ। अगर प्रेजेंट में बताना है तो क्या हो जाएगा, आई एम यूज टू, एंड फिर पढ़ाई का तो क्या हो जाएगा, स्टडी, आई एम यूज टू स्टडी। इसको हम लोग बोलते हैं यूज टू प्लस आईएनजी। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि वह पढ़ाई की आदि नहीं है, वह पढ़ाई की आदि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट यूज टू, एंड फिर पढ़ाई क्या है, एक्शन है, तो एक्शन की फोर्थ फॉर्म लगेगी, क्या हो जाएगा, पढ़ाई की आदि नहीं है। ठीक, सी इज नॉट यूज टू स्टडी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वो लैपटॉप का आदि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही
इज, अब फिर नॉट आ जाएगा, फिर यूज टू एंड लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर एक्शन है, यहाँ पे लैपटॉप ऑब्जेक्ट है तो आप कौन सा यूज कर लोगे ये, तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज नॉट यूज टू लैपटॉप, ठीक, वो लैपटॉप का आदि नहीं है, तो इस तरीके आप बना सकते हो। बट अगर मैं बात करूं मैं इसका आदि था, तो क्या मैं इसका आदि था तो क्या बात बनाओगे, वॉज या फिर वर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वॉज या फिर वर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं पढ़ाई का आदि था बट अभी नहीं, तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ाई का आदि था, मीन पास्ट की हैबिट थी एंड मैं आदि था, आदि शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एंड फिर क्या होगा, वॉज यूज टू एंड पढ़ाई क्या है, एक्शन है, तो एक्शन के साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, स्टडींग, ठीक, मैं चोरी करने का आदि था, मैं चोरी करने का आदि था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज यूज टू, अब फिर क्या हो जाएगा, आई वॉज यूज टू, अब फिर चोरी करने क्या होती है, स्टील होती है, और इसकी में आई एन जी लग जाएगी क्योंकि ये क्या है, एक्शन है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज यूज टू स्टीलिंग, ठीक, तो इस तरीके आप बना सकते हो, एंड इसका आप निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल, विल का यूज क्या होता है, जैसे क्या होता है कि किसी दोस्त ने कहा बेटा चलेगा मेरे साथ घूमने, ठीक है, तो कहता है भैया मैं घूमने का आदि नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट यूज टू, फिर घूमने क्या होती है, गो आउटसाइड, तो गो के साथ में एक्शन लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक, आई एम नॉट यूज टू गोइंग आउटसाइड, ठीक, तो इस तरीके आप बना सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूं विल बी क्या होता है, आदि हो जाऊंगा, आदि हो जाऊंगा, ठीक, मैं अगर कश्मीर में रहूंगा तो मैं वहां ठंडा पानी पीने का आदि हो जाऊंगा, आदि हो जाऊंगा, ठंडा पानी पीने का आदि हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई एंड फिर क्या आ जाएगा, विल बी और फिर यूज टू एंड फिर पानी पीने क्या होती है, ड्रिंक होती है, एंड वो क्या होता है, एक्शन है, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी यूज टू एंड फिर क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वॉटर हो जाएगा, तो इसका आप क्या बनाओगे, बना दोगे, आई विल बी यूज टू ड्रिंकिंग द वॉटर, तो इस तरीके आप बना सकते हो, ठीक। एंड इसका अगर निगेटिव अगर मैं पूछूं कि मैं दिल्ली जाके पानी पीने, ठंडा पानी पीने का आदि नहीं हूंगा, मैं आदि नहीं हूंगा, तो क्या होगा, आई डिड नॉट, ओ सॉरी, आई क्या हो जाएगा, आई एंड फिर क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, आई विल नॉट बी यूज टू एंड फिर क्या आ जाएगा, ड्रिंकिंग द कोल्ड वाटर, मैं दिल्ली जाके ठंडा पानी पीने का आदि नहीं हूंगा, नहीं हूंगा तो नॉट बना दीजिए। ऐसे इसी का अगर पूछ रहा हूँ किसी से, क्या तुम दिल्ली जाके ठंडा पानी पीने का आप आदि हो जाओगे, तो आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हैज एंड हैव, हैज एंड हैव मतलब क्या होता है, जैसे मैं आदि हो गया हूँ, ठीक, अगर यहाँ पे बोलूं भैया बहुत गर्मी है तो क्या हो जाएगा, मैं गर्मी में रहने का आदि हो गया हूँ, तो गर्मी में रहने का आदि हो गया हूँ, मीन्स क्या है, मेरी हैबिट ऑलरेडी बन चुकी है, तो इस पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि मैं आदि हो गया हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई और फिर क्या हो जाएगा, हैव, आई हैव यूज टू एंड फिर क्या है, रहने की, रहना क्या होता है, एक्शन है, तो एक्शन के साथ में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव यूज टू और फिर क्या हो जाएगा, लिविंग इन समर या फिर लिविंग इन वार्म प्लेस, तो इस तरीके आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैं साइकिल चलाने का आदि हो गया हूं, तो क्या हो जाएगा, आई फिर क्या हो जाएगा, हैव यूज टू और फिर चलाने क्या होती है, राइडिंग द बाइसिकल, तो इस तरीके आप बना सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं हैड, हैड का यूज हम लोग कब करते हैं, हैड का यूज हम लोग करते हैं मैं आदि हो गया था, मैं आदि हो गया था, इन द पास्ट क्या हो जाएगा, मैं आदि हो गया था, मैं पढ़ाई, मैं जब वहाँ हॉस्टल में रहता था तो मैं पढ़ाई करने का आदि हो गया था, पढ़ाई करने का आदि हो गया था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड फिर क्या आएगा, यूज टू एंड फिर पढ़ाई करने क्या होती है, एक्शन है, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी, आई हैड यूज टू और फिर क्या हो जाएगा, स्टडींग, ठीक, व्हाइल आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल, ठीक, तो इस तरीके आप इसको बोल सकते हो। जैसे वह खाना बनाने के आदि हो गया था, वह खाना बनाने का आदि हो गया था, ठीक है, जब हम लोग रूम लेके रहते थे तो खाना बनाने का आदि हो गया था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या यूज कर लोगे, ही हैड यूज टू और फिर क्या हो जाएगा, कुकिंग द फूड व्हाइल वी आर लिविंग इन अ रेंट रूम, ठीक, तो इस तरीके आप बोल सकते हो। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अपने कमेंट करना ना भूले क्योंकि उन आंसर से आपको पता चलेगा मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, अगर रॉन्ग होगा तो डोंट वरी, मैं उसको राइट करके कमेंट कर दूंगा, बट आपको कमेंट करना जरूरी है, इट्स अ मस्ट, अदरवाइज ऑल इन वेन, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हो तो मिस इसका रिविजन हो जाता है एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलें, एंड लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, प्लीज हिट द लाइक बटन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।